कि हमने ये पूछा था कि अकाउंटेबिलिटी, कि ये जो पैसे हैं इनकी आप तफसील बताएं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक तो ये था। दूसरा 11 करोड़ राजी थी उसकी अकाउंटेबिलिटी। देखिए मैं कोई, क्योंकि मैं कल से बहुत अपसेट भी हूँ, डिस्टर्ब भी हूँ, और मैं जहाँ से मोहतरम लोगों के साथ बैठ के उठ के आई हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को उनके आगे बड़ा कमजोर महसूस किया। उन्होंने कहा था कि आपने जो एलिगेशंस लगाए हैं, आपने जो रेफरेंस दायर किया है, आपको इसकी सीरियसनेस का पता है, आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपको यहाँ से कहीं और भी भेजा जा सकता है। मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ कि शायद मुझे धमकाया जा रहा है, लेकिन मैं अपने मौकफ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। बहुत डांट डपट, बहुत डांट डपट, और चले अगर कोई बड़ा डांटता भी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां बड़े और छोटे का सवाल नहीं था, वहां पे सिर्फ वो इंसाफ की अदालत। लगा कि उनका रवैया बहुत सख्त है, आपके पीछे कौन है, आप अकेली काम कर रही हैं ये सारा, कि आपके साथ कोई और भी है, ये आपकी फाइल्स कौन कंपाइल करता है, ये तो मैं मरते दम तक हूँ। जब तक कि सिस्टम चेंज नहीं होता, माइंडसेट चेंज नहीं होता, इतने इतने बड़े जहाज और बल्डोजर हमारे ऊपर से गुजर गए हैं, अभी तो आम पाकिस्तानी को ये पता होना चाहिए इंसाफ का हसूल मुमकिन है किसी आम बंदे के लिए। मैं बिल्कुल आम शहरी हूँ, ना मेरे असासा जाते हैं, ना मैं कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ जो जिसको पैसे आते हो, ना कोई फंडिंग है, कुछ नहीं है। तो मैं एक आम औरत ही गई थी ना सबकी बिस्मिल्लाह सबकी तर्जुमानी करने के लिए। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पीके आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। आमना मलिक साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने शिकायत की है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मुअज्जिज जज सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ। आमना मलिक साहिबा हैं कौन, शिकायत क्या थी, मालूमात क्या है, चाहती क्या है, इनसे जरा जानते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असलाम जी। मैम सबसे पहले तो मैंने जिस तरह से बताया कि आमना मलिक हैं कौन और फिर शिकायत क्या थी। हाँ जी, मेरा नाम आमना मलिक है, मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, इंसानी हकूक के लिए काम कर रही हूँ, और मैं पिछले 25 साल से काम कर रही हूँ। मैं हर तबके के लिए आवाज बुलंद करती हूँ, मैंने हर मजलूम के लिए आवाज उठाई है, इसमें कोई मेरा जाती मफाद नहीं था। मेरे लिए जो मेरे जज साहिबान हैं वो बहुत काबिले एहतराम हैं, वो इतने काबिले एहतराम हैं और मैं उनका दिल से एहतराम करती हूँ। हम तक एक शिकायत मौसूल हुई थी जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज थी। मेरे दो रेफरेंसेस हैं, एक तो लाइबिलिटी थी 2 करोड़ और 48 लाख रुपए की, एक 11 करोड़ अराजी की कुछ लाइबिलिटीज थी। तो हमें कुछ कागजात मौसूल हुए जो कि हमें मौसूल होते रहते हैं हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं उस जगह के ऊपर। तो फिर हमने एक रेफरेंस दायर किया था, और वो किस बेस पे किया था वो मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा। हम मैम इस पर आते हैं जरा, पहले प्लीज ये बता दीजिए आप किसी एनजीओ के साथ हैं, आप आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। जी, मैं किसी एनजीओ के साथ नहीं हूँ, मेरी कोई पेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं ह्यूमन राइट के प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, सिविल सोसाइटी नेटवर्क के नाम से, ओ जिसमें सिविल तमाम सोसाइटी, हाई तबका के लोग जो हैं वो हमारे मेंबरान हैं, कोई मखसूस लोग हमारे मेंबर नहीं है, वो जो सब इंसानियत का दर्द रखते हैं वो मेरे मेंबरान हैं, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो कुछ 10 12 5 7 8 नहीं है। जो भी हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे लिए मजलूम के लिए आवाज बुलंद करता है, वो मेरा साथ। और आपके पास एक दरख्वास्त आई जिसमें जज साहब के हवाले से जो आपने कुछ अमाउंट बताई और साथ आपने 11 करोड़ अराजी बताई। हमें कुछ डॉक्यूमेंट सिस्टम मौसूल हुए, तो फिर हमने मैंने रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस जब मैंने दायर किया तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, सुप्रीम कोर्ट बुलाया, इन पर्सन बुलाया कि मैं खुदा हूँ, और मैंने बखुशी वो कबूल किया कि जी मैं जरूर जाऊंगी, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटी, मुझे जाना चाहिए था। मैं वहां गई क्यों थी, ये सवाल बड़ा अच्छा है, और मैं इसका ये जवाब देना चाहूंगी। आप भी मुझसे अभी पूछने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबकी हो सकती है, और हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस अपनी बहुत सारी बातों में डेली ये कहते हैं कि सबकी जी अकाउंटेबिलिटी मुमकिन है। ब्यूरोक्रेट्स की कहते हैं मेरी भी होनी चाहिए, मुझसे स्टार्ट करें, तो मैंने उनसे तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने एक जज से स्टार्ट किया, और मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि लोगों को पता चले कि अकाउंटेबिलिटी सबकी हो सकती है, ये मुल्क सबको बराबर का देखता है और सबको जी इंसाफ जो है वो मिल सकता है, सबके लिए यकसा है इंसाफ की फरहमी। मेरा ये मकसद था, मेरा कोई जाती अनाथ नहीं था, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, मैं किसी के लिए काम नहीं कर रही। बहुत से सवाल हैं जो लोगों के जहन में उभरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यकीन जानिए मैं वहां बैठ के भी आई हूँ, मेरे दिल में अपने चीफ जस्टिस के लिए, अपने जज साहिबान के लिए इतना एहतराम है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं एक चीज बस प्रूव करने इस सब गई थी। मामले पर मैं आऊंगा, आप गई क्यों और सारी सारी बातें होंगी। पहले सिर्फ ये बता दीजिए शिकायत बेसिकली आपकी थी क्या। जी मेरी ये शिकायत थी कि हमने ये पूछा था कि अकाउंटेबिलिटी, कि ये जो पैसे हैं इनकी आप तफसील बताएं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक तो ये था।
दूसरा 11 करोड़ राजी थी उसकी अकाउंटेबिलिटी, ये दो लाइबिलिटी थी उनपे, 2 करोड़ 48 लाख की लाइबिलिटी थी कि आप उनके जवाब जो है वो जमा कराएं। और हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप तो इंसाफ देते हैं, इंसाफ बांटते हैं, तो आप कम से कम हमें ये बताइए कि आप जो है ये सब कुछ कहाँ से आया। तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने जो है वो मुझे फिर इन पर्सन बुलाया था, फिर वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब। अच्छा मैम, आपने पहले रेफरेंस दायर किया या पहले जज साहब से आपने मालूमात चाही कि ये है क्या सारा मामला? ठीक ये मैंने पहले रेफरेंस दाया। है, और फिर कल जब आप गई, आपको बुलाया गया, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि जज साहब ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, चीफ जस्टिस साहब हमारे मोजिस चीफ जस्टिस साहब, कल वहां बैठ बेशक कर क्या महसूस हुआ आपको? वाकई वो चाहते हैं कि सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? देखिए मैं कोई, क्योंकि मैं कल से बहुत अपसेट भी हूँ, डिस्टर्ब भी हूँ, और मैं जहाँ से मोहतरम लोगों के साथ बैठ के उठ के आई हूँ, तो उससे पहले तो मैं अपने आप को भी बड़ा जो है वो बजनी समझती थी कि हम में से कोई भी जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन कानून का एक तरीकाकार होता है, कानून का एक दायरा इख्तियार होता है, और हमें जो इंसाफ देने वाले थे वो मेरे सामने विराजमान थे, बड़े खूबसूरत चेहरे थे, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन मैंने अपने आप को उनके आगे बड़ा कमजोर महसूस किया, क्योंकि मैं एक आम शहरी हूँ, मैं एक औरत भी हूँ, तो इंसाफ की फरहमी कोई इतनी भी आसान नहीं है इस मुल्क के अंदर, ये मुझे एहसास हुआ। और उन्होंने, सरदार साहब ने, मेरे मोहतरम और मेरे काबिल जज जो हैं उन्होंने अपने जवाब भी वहां बताए कि उन्होंने किस तरह जो है वो अपनी फाइल के अंदर तमाम जो जवाबात हैं कि ये लाइबिलिटी जो थी पैसों की उसके वो कहाँ से वो हो रहा है, वो खैर एक अलग टॉपिक है। तो फिर मुझसे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा आप मुतमईन है, मैंने कहा अगर मेरे चीफ जस्टिस साहब मुतमईन है तो मैं मुतमईन, आपकी तो अदारों तक रसाई है, मेरी नहीं है। आपने अभी मुझसे पूछा ना कि आपने पहले उनसे पूछा, देखें इनकी अदारों तक रसाई है, ये बहुत मोहतरम है, काजी वक्त है। तो वो तो मैंने कहा सर आप सेटिस्फाइड हैं तो मेरे से। उन्होंने मुझे कल बताया कि इनके साथ तमाम जवाबात लगा दिए गए हैं। और वो जवाब आपको मिले? जी मुझे मिले नहीं, लेकिन मेरे सामने उन्होंने पढ़े, मुझे दिखाए, तो और आपको मैंने कहा कि दिखाई गई इस वो जवाब का सरदार तारिक साहब के? जी, उन्होंने फाइल जो थी उसमें दिखाया और मुझे वो फाइल पढ़ने के लिए बोला गया। मैंने वो फाइल पढ़ी, उन्होंने कहा आप जो है मुतमईन हैं इन जवाब से। मैंने कहा मैंने आपको भी जवाब दिया कि मैंने कहा मोहतरम अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुत्तफिक हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे चीफ जस्टिस साहब मुत्तफिक हों और मैं ना हूँ। एक 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 बात कल से बड़ी चल रही थी, कहा गया कि वहां भेज देंगे जहां से आप वापस भी नहीं आ सकेंगी। ये हमारे एक सहाफी हैं, क्योंकि इंसान जाहिर सी बात है, मैं जब अंदर से बाहर निकली तो थोड़ी सी घबराई हुई भी थी, तो हमारे एक सहाफी हैं वो माशाल्लाह बातों को बड़ा पकड़ते हैं, और वो तो बड़े छाए रहते हैं कि उनका समझ भी नहीं आता कि वो हैं किस साइड पे। उन्होंने मुझे इतना जरूर कहा था कि आप ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से आपको कहीं और भेजा जाए, ये जुमला हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, मैं इसी जुमले की अच्छा, वजह से एग्जैक्ट आज अल्फाज क्या थे? चले, उनकी तो जो सहाफी ने रिपोर्ट किया सो किया, एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे और किसने कहे थे और किस बात पे कहे थे? उन्होंने कहा था कि आपने जो एलिगेशंस लगाए हैं, आपने जो रेफरेंस दायर किया है, आपको इसकी सीरियसनेस का पता है, आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपको यहाँ से कहीं और भी भेजा जा सकता है, तो आप भी समझदार रहे होंगे। जी उन्हों से मुराद काजी फायज ईसा साहब ने ये कहा था आपको, जी जी, जी मेरे चीफ जस्टिस, और उसके बाद फिर आपको क्या महसूस हुआ? मुझे ये महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए कि ये वाकई में बड़े लोग हैं, वो वाले बड़े नहीं है, ये और वाले बड़े। मैं कल से एक ही बात को बार बार दोहरा रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं हमेशा सच बोलूंगी। और मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ कि शायद मुझे धमकाया जा रहा है, लेकिन मैं अपने मौकफ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। जो मुझे आंसर्स आते थे मैंने दिए, बाकी मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने वकील को साथ लेके आऊँ नेक्स्ट टाइम, कोई ऐसी टेक्निकल बातें जो मैं जवाब नहीं दे सकती वो मेरा लॉयर देगा। उन्होंने कहा आप लेके आती, मैंने कहा आपने मुझे इन पर्सन बुलाया था अकेले में, तो मेरे लॉयर तो नहीं आ सके, लाहौर में वैसे भी स्मॉग की जो सूरत हाल है उसके पेश नजर नहीं निकल सके। तो जो जो मुझे जवाब आते थे, जो मुझे नहीं आते थे, क्योंकि मैं भी कोई अकले कुल तो नहीं हूँ कि मुझे हर सवाल का मुझे भी लॉयर चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जब कहा कि आप जो है ये समझती हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं तमाम जवाबों से, मैंने कहा जी अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मैं बस इस तरह करूँगा। 1 घंटा ठीक और हम है, 10, 1 घंटा 10 मिनट। जाहिर आपने भी ये कहा कि
इंसाफ का हुसूल मुश्किल है, आपने खुद को बड़ा कमजोर वहां पर पाया। तो ये बहुत पूरा एक अच्छा। घंटा ही आपने खुद को कमजोर पाया, या फिर रवैया ऐसा था कि आपको लगा कि मैं कहाँ आ गई? हाँ जी बॉस, बहुत डांट डपट, बहुत डांट डपट। और चले अगर कोई बड़ा डांटता भी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां बड़े और छोटे का सवाल नहीं था, वहां पे सिर्फ वो इंसाफ की अदालत, और वहां पे इंसाफ की अदालत में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। और आप यकीन कीजिए कि मेरे जहन में वो चीजें गूंज रही थी। मैं, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं 25 साल से इन सड़कों पर आवाज उठा रही, 25 साल से काम कर रही, मेरी कोई जायदाद नहीं है, कोई असासे नहीं है, मैं अपने आप को बिना अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश कर, मेरे बारे में जो जिसने पता लगाना है, मैं एक तो खुली किताब हूँ, मेरे पास तो शायद अपना रेंटेड हाउस है, अपना घर भी नहीं है। तो मैंने फिर जब उनको इस तरह की बात बताई तो फिर शायद उन्होंने 1 मिनट फिर सोचा होगा, लेकिन डांट डपट बहुत थी। तो फिर मैंने भी उसको पॉजिटिवली महसूस किया कि मेरे चीफ जस्टिस है कि डांट रहे तो हैं। डांट डपट किस तरह की मतलब आपको महसूस हुआ कि आपकी तस्दीक की जा रही है? बस वो तस्दीक ही होती है कि बार बार आपको पूछें कि आपको किस सोर्स से मिलेगी कागजात, किस सोर्स से मिलेगी कागजात। देखिए कुछ सोर्स मैं बता सकती हूँ, कुछ मेरी मजबूरी है मैं नहीं बता सकती, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो ये है कि जहां से भी मिले कागजात, हम हमें तो लोग देते रहते हैं चीजें। आपको शायद याद हो कि जो बची कसूर वाली जैनब का केस था, जी उसमें भी हमारे पास बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास बहुत कुछ था, हमने वहां पे मार भी खाई, हमारी गाड़ी जलाई गई, हम सब लोग कसूर पहुंचे। मैंने पूरा पूरा उसका उसको उसका पीछे रही हूँ उस केस के। उसके बाद फिर अल्ताफ हुसैन के केस के अंदर उसकी तकारीर पे, जो नफरत अंगेज तकारीर पे जो पाबंदी लगाई गई, वो जो मेरे मेरी पटीशन पे थी। मैंने उनको ये सब बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा मैं इतनी लंबी बातें सुनने के लिए नहीं बैठा, जो आपसे सवाल की जाए उसका मुझे जवाब दें, बस थोड़ा जवाब दें, फिर वो जवाब बताइए। दे देना था जब सवाल हुआ कि आपको पास डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से, तो आपके पास जवाब तो होना चाहिए था। मैंने उनसे सिर्फ टाइम मांगा था कि मुझे मेरे वकील को लाने की इजाजत, मैं इस तरह नहीं बताऊंगी, मेरा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आप भी समझने की कोशिश करें, इसका आंसर मेरा वकील है, मैंने ये कहा। और उन्होंने इसके ऊपर कोई एहतजाज, आपको वैसे मालूम है कि ये डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से? ऑब्वियसली मुझे पता है तो है ना ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए हैं, लेकिन सबको इख्तियार होता है कि अपना लॉयर रखे, मैं भी रख सकती हूँ। अगर मुझसे कोई एक सहाफी पूछते हैं और जिस तरह मुझसे सेम क्वेश्चन जो है वो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि आपके पास ये आए कहाँ से, फौरन मुझसे ये क्वेश्चन किया, अंदर भी मैं ये सवालों के जवाब दे के आ रही हूँ। अगर मैंने चीफ जस्टिस को मुतमईन कर दिया है तो वही मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको ही बताऊंगी मैंने बताया या नहीं बताया, ये मेरा रूम था। ठीक है, मुझसे ज्यादा सवाल ये किया जा रहा है कि आपको अंदर का माहौल, अंदर बेतहाशा अच्छे और पढ़े लिखे लोग बैठे थे, मेरे मोहतरम जज साहिबान थे सारे, जो भी उन्होंने मुझसे सवाल किए। लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि उनका रवैया बहुत सख्त है, क्योंकि इस तरह बात करना कि आप मेरे बारे में तफसील पूछनी कि आप टैक्स पेयर हैं कि नहीं है, आपके पीछे कौन है, आप अकेली काम कर रहे हैं ये सारा, कि आपके साथ कोई और भी है, ये आपकी फाइल्स कौन कंपाइल करता है। तो मैंने कहा जी हमारे साथी हैं, कोई पे रोल पे तो है नहीं है कि मैं उनको तनख्वाहें देती हूँ, मैं तो नहीं दे सकती, तो हम सब मिलजुल के ही काम करते हैं। तो वो और कौन कौन है, कितने लोग हैं, उनके नाम बताएं, तो फिर यहाँ पर आप भी समझने की कोशिश करें, 10-12 लोग बैठे थे, 8-10 लोग, कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं अपने लॉयर को लेके आऊँ, वो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर। बट जरा मोजिस जज हैं तारिक मसूद साहब, आप ने उन्हीं का इंतखाब क्यों किया इस सारे रेफरेंस के लिए? ये मुझे सारे पूछ रहे थे, उनकी जगह कोई और भी हो सकता था, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं उनसे, वो मेरे मुहतरम हैं, उनकी जगह कोई और भी हो सकता था, कोई जाती दुश्मनी नहीं उनको, मैं कोई पर्सनली जानती नहीं हूँ, कुछ नहीं है, उनकी जगह कोई और भी हो सकता था। हमने तो एक मिसाल कायम की है कि अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई भी अपने आप को पेश कर सकता है, कोई बात नहीं, ये मकसद था। तो अब क्लीन चिट मिल गई है मोजिज जज साहब को, हाँ जी रेफरेंस क्लीन खारिज चिट हो मिल गई, गया, तो जी जी खारिज हो गया। आपको मिल गया जो बात, जो जवाब आप चाहती थी वो आपको मिल गया, आपके जो दीगर साथी हैं उनको मिल गया। मेरी बात करें, दिगर साथियों का तो मैं अभी नहीं कह सकती, उनकी तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत सी चीजें जो है वो देखी जाएंगी, लेकिन मुझे जो मेरा जवाब चाहिए था वो मुझे मेरा जवाब इस तरह मिला कि जो जवाब मुझे इतना रैशली दिया गया है वो मुझे आराम से भी बताया जा सकता था कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, आपका राइट है। जो हमारे एक और मोहतरम जज हैं, मसूद अली, सॉरी मेरे जेन से नाम स्किप हो, मेरे मोहतरम जज साहब हैं, आप बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मोहतरम जज साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप रिलैक्स हो जाएं, बड़े आराम से मुझे कहा कि आप सिर्फ हमारे इन दो क्वेश्चंस का आंसर दे दें। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं देती हूँ, मेरे पास होगा आंसर तो मैं दे दूंगी, बाकी मेरा लॉयर।
तो मैंने कहा कि सर आप मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दें, मैं अपने लॉयर के साथ आ जाऊं। उन्होंने कहा इतने सारे केसेस हैं तो आपके किसी केस के पीछे तो हम इतना टाइम नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने कहा और कि फिर आइए जब आप पैसा आया और क्लीन चिट मिल गई। आखिर में आपका एक क्लिप में सुन रहा था, आप ये कह रही थी कि अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल आसान है तो उसकी खाम ख्याली है। काम ख्याली है, बिल्कुल आसान नहीं। ये तो मैं मरते दम तक कहूँ, जब तक कि सिस्टम चेंज नहीं होता, माइंडसेट चेंज नहीं होता। इतने इतने बड़े जहाज और बल्डोजर हमारे ऊपर से गुजर गए हैं, अभी तो आम पाकिस्तानी को ये पता होना चाहिए इंसाफ का हसूल मुमकिन है किसी आम बंदे के लिए। मैं बिल्कुल आम शहरी हूँ, ना मेरे असासा जाते हैं, ना मैं कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ जो जिसको पैसे आते हो, ना कोई फंडिंग है, कुछ नहीं है। तो मैं एक आम औरत ही गई थी ना सबकी सबकी तर्जुमानी करने के लिए। तो मुझे ये बताया गया कि आप मुतमईन है, ये उनका जवाब है, ओके। मैंने कहा जी ओके। मुश्किल है हालांकि इंसाफ इसमें आप मुतमईन नहीं भी थी, मगर आपको मुतमईन होना पड़ा। होना पड़ा। मैंने कहा जी ठीक, बड़ी बात आप कह रही हैं कि आप मुतमईन नहीं थी, मगर वहां पर आपको मुतमईन होना पड़ा। आपको कोई फौरी तौर पे कहेगा कि जी ये चीजें पढ़ी हैं, आप मुतमईन है? अगर मैं आपको कहूं कि आपके सवालों का ये जवाब पड़ा, नजर मार लें, मुतमईन आप हो जाएंगे? मैम एक बात ये भी हो रही थी कि आपके जो शोहर हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, वो जी जी लतीफ खोसा साहब के चैम्बर के वकील हैं, और फिर कोई टिल्ट उस तरफ आपका गया। नहीं, वो ऐसी बात तो मुझसे नहीं पूछी उन्होंने, ऐसा तो नहीं, नहीं वैसे पूछा बातें चल उन्होंने। रही हैं, मैं वैसे बातें चल रही हैं। तो वो लतीफ खोसा साहब के एडवाइजर रह चुके हैं मेरे शोहर, और इसलिए थोड़ा सा पूछा गया मुझे कि आपके मियाँ भी लॉयर है? मैंने कहा जी मेरे मियाँ लॉयर। तो जेन तो फिर उस तरफ जाता है ना कि ये उसकी इसके पीछे तो वही होंगे। लेकिन जब मैं सबको कह रही हूँ कि मैं हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है, मैं बेशक औरत, तो आप इस बात का बिलीव नहीं करते कि औरत भी कुछ कर सकती है? मेरी अपनी भी सोच हो सकती है, बर्तन धोने के अलावा भी मैं कुछ सोच सकती हूँ। यहाँ पे औरतें प्राइम मिनिस्टर तक बन गई हैं, लेकिन सोच वहीं की वहीं खड़ी है। औरत के पीछे कोई मर्द है जो इसको चला रहा है, ये तो कोई सोच नहीं है। मैं तो इस सोच को हराने गई थी। बाकी वो मेरे बड़े हैं, उन्होंने मुझसे जिस तरह भी बात की कोई भी मसला नहीं है। वो मुझसे पूछ रहे थे, पूछगछ हो रही थी, सब कुछ था। तो मेरे सारे मामला से कि मुझे किसी ने खड़ा किया हुआ है, मैं किसी मैं पपेट हूं और कोई नहीं, मेरी अपनी कोई सोच नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं आपकी अपनी कोई सोच नहीं, आपको कैसा लगे? जरा मैं आपसे जब पूछ रहा हूँ कुछ चीजें, वो तो मेरी अपनी सोच है ना कि आमना मलिक है कौन, जो एक जज के खिलाफ रेफरेंस लेकर गई, उसके पास सबूत कहाँ से आए कि 11 करोड़ उसका रुपया, पीछे, 11 क्विंटल अराजी एग्जैक्ट, 2 करोड़ रुपये एग्जैक्ट। अगर वो सब इल्जामात झूठ भी थे तो भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अकाउंटेबिलिटी सबकी हो सकती है। सिर्फ ये क्यों कहा जा रहा है, इनकी जगह कोई और होता, कोई आम बंदा होता, फिर कोई ना पूछता कि इनको ही क्यों कहा। अब मुझसे हर कोई सवाल पूछा, जज साहब को ही क्यों कहा? भाई आप खुद कहते हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। मैंने तो सिर्फ बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, ये मकसद था सिर्फ, कोई जाती अनाथ तो नहीं। नहीं तो फिर इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है, वो सारे सबूत आपने उनको दिए हैं जज साहब को? उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन मैं मीडिया पे नहीं बता। नहीं बताएंगे। और वही बात जो आपने अभी दरमियान में भी की कि आप मुतमईन नहीं भी थी, मगर उनके सामने आपको जवाबात से मुतमईन होना पड़ा। मुतमईन नहीं कि 10 मिनट में तो कोई मुतमईन नहीं होता मेरे। मैंने आपको उससे पहले, आपने ये बात तो रिपीट किया, ये भी रिपीट करें, अगर मेरे चीफ जस्टिस मुतमईन है तो मैं भी, ये चीफ बात जस्टिस है। साहब मुतमईन हैं तो फिर आप भी मुतमईन हैं। आप बिल्कुल नहीं भी थी, मगर फिर भी आपको होना पड़ा। नहीं, हूँ मैं मुतमईन। मैम डर खौफ तो नहीं कोई महसूस कर रही हैं आप? नहीं, कोई डर खौफ नहीं है। मेरा अपना मुल्क है, मेरा अपना वतन है, मेरे अपने अपने हैं ये। इस मिट्टी से ज्यादा तो मुझे कोई मिट्टी प्यारी, तो मैं क्यों अपने घर में खौफ ज्यादा महसूस करूंगी? आने वाले वक्त में बस मैं कहती हूँ इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। इंसाफ की फराहमी इतने नरम लहजे में करें और लोगों के लिए इतनी आसानियां पैदा करें कि वो आपके सामने हक की आवाज बुलंद करते वक्त खौफ महसूस ना करें, बस मेरी ये रिक्वेस्ट। वैसा खौफ महसूस ना करें जैसा कल आमना मलिक ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में महसूस किया। महसूस किया, बिल्कुल किया। मैं तो सड़कों पे नारे लगाने के लिए भी निकली हूँ, मैंने बहुत से काम किए हैं, मैं अदालतों में भी जाती हूँ, सब कुछ है। अगर मेरी जगह कोई और मजलूमा होती, मैं मजलूम नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो वो कमजोर होती और मैं तो फिर औरत भी थी। देखिए ना, मैं बार बार बता रही हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा एहतराम दीन इस्लाम देता है, औरत हकूक भी ज्यादा जी देता है, एहतराम भी ज्यादा देता है। तो मैं इतना सा एहतराम तो डिजर्व करती थी कि अगर मैंने औरत होकर अगर उंगली उठाई है तो उसको क्लियर कर दिया गया। कल क्लियर कर दिया गया तो आई एम ओके। उन्होंने कहा मेरे चीफ जस्टिस, मैं बार बार यही बात बोलूंगी, वो मुत्तफिक तो मैं भी मुत्तफिक।
मैंने उनकी अदालत में लेके गई थी अपना मुकदमा कि जी मैंने इस तरह इनको पॉइंट आउट किया, कोई मेरी जाती इसमें कुछ नहीं था, मेरे पीछे कोई कारिंदे काम नहीं करे, कोई मेरा जाती मफाद नहीं है इसमें, और अगर कोई चाहे कभी तो मैं अपने आप को भी अकाउंटेबिलिटी। जरा हमारे चीफ जस्टिस साहब तो ये कहते हैं बार बार के इंसाफ सबके लिए बराबर है, इंसाफ का हुसूल सबके लिए बराबर है, और फिर उनकी बिल्कुल अदालत में हर कोई अपने आप को महफूज महसूस कर सकता है। वो इंसानी हकूक की बात करते हैं, आइनो कानून की बुलंदी की बात करते हैं, इंसानी इकदार की बात करते हैं, इखलाकी इकदार की बात करते हैं, माशर्ती इकदार की बात करते हैं। मगर मुझे आपको सुनकर ये महसूस हो रहा है कि आप कल वहां पर खुद को महफूज नहीं समझ पा रही थी। जी ऐसी फीलिंग आई थी मुझे, मैं झूठ नहीं बोलती, अगर मैं झूठ और बोलती तो मैं किसी से फिर बात ना करती, बाहर आके ना बोलती, खामोशी से घर जाती, बैठ जाती, लेकिन मैंने जो कुछ महसूस किया, मुझे जिसने जो बताया, मेरा मुल्क है, मैं यहाँ क्यों डरूं? जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम। ठीक है। और जाहिर है फिर कल के बाद सब कुछ करने के बाद, इतने बड़े जज साहब के खिलाफ शिकायत रेफरेंस ले जाने के बाद क्लीन चिट उनको मिल गई, अब आमना मलिक साहिबा पाकिस्तान में इंसाफ का फ्यूचर क्या देख रही हैं? ब्लैंक हूँ अभी तो, अल्लाह करे सबको मिल जाए, अगर इसमें कुछ थोड़े बहुत ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी सोचा जाए और अगर बेहतरियां की जाए तो फिर कहीं जाके चीफ जस्टिस साहब को इंसाफ के हसूल को सबके लिए मुमकिन बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। इसका इमेज अक्रॉस द पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का इमेज जाए, जो कि अभी तक तो नहीं जा रहा कि पाकिस्तान में सबको इंसाफ मिलता है, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, बताया मैं गलत? और ये जानते हुए फिर आप दरख्वास्त लेकर चली गईं। तो कोई बात नहीं, मिसाल तो किसी ने बनना था। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुजशत कई महीनों से मावरा आइन मावरा कानून मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए, क्या सवाल ना करें, क्या मालूम आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूम भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है, और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।